हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि अगर आपके पास रियलमी का टीवी है और वो ख़राब हो गया है तो आप दूसरा टीवी किस तरह से ले सकते हो या फिर उसी टीवी को आप रिपेयर किस तरह से करा सकते हो। दोस्तों, जब मेरा रियलमी टीवी ख़राब हो गया था तब मैंने तीन वीडियो बनाया था। दो वीडियो में मैं बताया था कि मेरे रियलमी टीवी में क्या प्रॉब्लम हुआ है और कैसे हुआ है, और एक वीडियो में मैं बताया था कि मुझे नया टीवी किस तरह से मिला। और नया टीवी मिलने के बाद दोस्तों उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मेरा भी टीवी ख़राब हो गया है और सेम वही प्रॉब्लम हुआ है, किसी का अलग अलग प्रॉब्लम हुआ है, तो वो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से मुझे भी नया टीवी मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टीवी में क्या प्रॉब्लम हुआ है, तभी आपको नया टीवी मिलेगा कि आपको वही टीवी रिपेयर करके दिया जाएगा। तो किस तरह से कंप्लेन करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके टीवी में भी कोई ख़राबी हो गया है तो आपको किस तरह से कंप्लेन करना है दूसरे टीवी लेने के लिए, या फिर आपका टीवी उसी या फिर आप उसी टीवी को किस तरह से ठीक करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तीनों वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताऊँगा कि आप किस तरह से कंप्लेन कर सकते हो, और टीवी के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से प्रॉब्लम होते होंगे तो आपको नया टीवी मिलेगा, या फिर कौन से प्रॉब्लम होता है तो आपको वही टीवी को रिपेयर करके दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके टीवी के डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम हो गया है, मतलब कि दोस्तों आपके तरफ से कोई अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मतलब कि एक होता है कि दोस्तों आप टीवी को टच किए हो, टीवी टूट गया है, मतलब कि या फिर कुछ टीवी पे लग गया है तो टीवी का डिस्प्ले ख़राब हो गया है, अगर इस तरह से हुआ है तो आपको भी भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों टीवी में अपने आप कुछ खराबी हुआ है, मतलब कि अगर टीवी के डिस्प्ले में, तो रियलमी की तरफ से टीवी को चेंज ही कर दिया जाएगा। जिस तरह से मेरे टीवी में जो प्रॉब्लम हुआ था वो अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो इसी की वजह से जो मेरा टीवी है वो चेंज हो गया। हाँ दोस्तों, डिस्प्ले में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके टीवी को ही चेंज कर दिया जाएगा। और सबसे ध्यान देने वाली ये बात है दोस्तों, आप सर्विस सेंटर के चक्कर में ना रहें, रियलमी टीवी का कोई भी सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है। रियलमी की तरफ से दोस्तों इंजीनियर्स आते हैं और आपके घर पे ही आपके टीवी को ठीक करते हैं। अगर आपका दोस्तों टीवी ठीक नहीं होने वाला है और वारंटी पीरियड में है तो उसको चेंज ही कर दिया जाता है। ये सब कुछ डिटेल मैंने कस्टमर केयर से बात करके समझा हुआ है, तो आप मेरे पे आसानी से ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, और अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका टीवी में, मतलब कि डिस्प्ले ठीक है और अंदर में आपका, जैसे आपका टीवी का पावर ऑन नहीं हो रहा है या फिर HDMI सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक बंदे ने एक रियलमी का टीवी खरीदा था और एक महीने बाद ही जब उसका टीवी जो है वो DTH को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, तो उसका फिर से मदरबोर्ड चेंज हुआ। तो मदरबोर्ड चेंज होने के बाद से फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि भाई अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि फिर से कंप्लेन करो, और फिर से वो कंप्लेन किया और उसको आसानी से वो उसका टीवी ही नया मिल गया। मतलब कि अगर मदरबोर्ड में कोई समस्या है तो मदरबोर्ड ही पहले चेंज होता है, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो टीवी को ही चेंज कर दिया जाता है, अगर वारंटी पीरियड में है तो। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि आपको कंप्लेन किस तरह से करना होता है टीवी को ठीक कराने के लिए या फिर नया टीवी लेने के लिए। सबसे पहले आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, रियलमी स्टोर, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, रियलमी स्टोर करके है ये एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा आपको। और वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप सेटिंग्स में जाना, अपना माई अकाउंट ओपन करना। सबसे पहले अपना माई अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पे कस्टमर केयर से बात करने के लिए कुछ वहाँ पे नज़र आएगा, तो आप आसानी से चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, मतलब कि चैट भी कर सकते हो या फिर आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। तो कॉल करके आप बात कर लेना और वहाँ पे अपना समस्या बताना कि मेरे टीवी में ये समस्या हो गया है, उसको अब ठीक किस तरह से करें। तो दोस्तों इसके लिए वो आपके के टीवी में आसानी से सब कुछ आपसे अच्छे से बात करेगा, सब कुछ पूछेगा कि क्या हुआ है टीवी में। और उसके बाद जो आपके पास बिल है, चाहे आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर रियलमी से स्टोर से ख़रीदा हुआ है, वो बिल आप उसको बता देना। उसमें एक कोड होता है जो कि नंबर वाइज होता है, वो आपसे पूछेगा, उसके माध्यम से उसको पता चल जाएगा कि आपने टीवी को कब परचेस किया हुआ है।
ठीक है फ्रेंड्स। जब दोस्तों ये सब हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ दिन लग जाते हैं, 5 से 7 वर्किंग डे लगते हैं। कुछ इंजीनियर्स आएंगे आपके घर पे और आपके टीवी को चेक करेंगे कि आपके टीवी में प्रॉब्लम हुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद वो बंदे रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे, मतलब कि जो भी टेस्ट उन्होंने किया है उसका रिपोर्ट भेजेंगे आगे अपने सीनियर को और बताएंगे कि ये टीवी में ये चीज़ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो वही लोग डिसाइड करेंगे कि आपको नया टीवी मिलेगा या फिर उसी टीवी को रिपेयर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद वो रिपोर्ट बना के चले जाएंगे। उसके बाद आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं चाहे वो टीवी नया मिले या फिर टीवी को उसी टीवी को ठीक करने में। तो 15 से 20 दिन मतलब टोटल दोस्तों आपको लेकर चलना है कि 1 महीना आपको लग ही जाएगा आपको टीवी को चेंज होने में या फिर रिपेयर होने में। तो अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है दोस्तों, तो अभी आपको घबराने की, और दोस्तों मुझे ही दूसरा टीवी मिलने में करीब 1 महीने का समय लग गया था, तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आई वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।